तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ईगल क्लैन का लीडर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए यांग फैमिली और क्वेन फैमिली के सभी लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी लीन फैंग बीच में आते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लीन फैंग अपनी डिवाइन थंडर टेक्निक का यूज करते हुए जाइंट क्लैन, ईगल क्लैन और स्पिरिट क्लैन के लीडर के ऊपर अटैक करता है, पर तभी ईगल क्लैन का एंसेस्टर बीच में आते हुए लीन फैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब वह लीन फैंग को देखकर हंसते हुए बोलने लगता है, बच्चे तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो तुमसे फाइट करने में यहाँ पर मुझे मजा आने वाला है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए लीन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही क्वेन फैमिली का एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल प्लीज यहाँ पर सावधान रहिएगा, क्योंकि ईगल एंसेस्टर की पावर ट्रू इमॉर्टल रैलम के बराबर है। लीन फैंग बोलता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी ईगल एंसेस्टर लीन फैंग के ऊपर कई सारे फैदर से अटैक करता है, पर तभी लीन फैंग अपने फ्लेम लोटस को बाहर निकालते हुए उसका यूज करते हुए अपने चारों ओर एक बैरियर बनाकर ईगल एंसेस्टर के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। अब जैसे ही ईगल एंसेस्टर का अटैक लीन फैंग के द्वारा बनाए गए फ्लेम बैरियर से टकराता है, वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसे देखते ही ईगल क्लैन के लीडर की हालत खराब हो जाती है। और अब वह बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पर्सन के पास गॉड लेवल ट्रू फायर होगा। वहीं पर जाइंट क्लैन और स्पिरिट क्लैन के लीडर भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। और अब जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है, अगर एंसेस्टर यहाँ पर हमारे साथ नहीं होते तो यह पर्सन पलक झपकते ही हमें जान से मार सकता था। दूसरी ओर वहां पर खड़ा हुआ डीमन बोल रहा होता है, आखिर लीन फैंग की कल्टीवेशन कितनी ज्यादा फास्ट है। मैं यहाँ पर लीन फैंग से बस कुछ दिनों पहले ही मिला था, पर अब यहाँ पर लीन फैंग की पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी ईगल एंसेस्टर हंसते हुए बोलता है, बच्चे तुमने सच में मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सरप्राइज किया है। तुम गॉड लेवल फायर को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही साथ तुम्हारे पास कई सारे डिवाइन वेपन्स भी हैं, जिन सभी का यूज करके तुम यहाँ पर सच में काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, पर इसके बावजूद तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। यह बोलते हुए अब ईगल एंसेस्टर अपने 10,000 फैदर टेक्निक का यूज करते हुए लीन फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, पर उस अटैक से भी लीन फैंग का बैरियर वहां पर नहीं टूटता है, जो देखते ही ईगल एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब वह बोलता है, अब तुम मुझे यहां पर इरिटेट कर रहे हो, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने 10,000 फैदर को आपस में मर्ज करते हुए वहां पर एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बनाकर उससे लीन फैंग के ऊपर अटैक करता है। अब यह देखते ही ईगल क्लैन का लीडर बोलने लगता है, यह तो डार्क नाइट जजमेंट स्वॉर्ड है, तो इसके सामने यह पर्सन यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। और तभी जैसे ही वह स्वॉर्ड लीन फैंग के बैरियर से टकराता है, उन दोनों के टकराव से वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आसपास मौजूद माउंटेन्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तभी वहां पर मैंगटियान भी एंसेस्टर सुजू के साथ पहुंच जाता है, और अब वह उस अटैक को देखकर लीन फैंग के लिए परेशान हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर एंसेस्टर सुजू उसे रोक देती है और बोलती है, बच्चे तुम्हें लीन फैंग के ऊपर यकीन करना होगा, उसके पास यह फाइट जीतने का कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। तभी साउटियान भी उड़ते हुए वहां पर आ जाता है, और अब वह मैंगटियान को परेशान देखकर बोलता है, मैंगटियान तुम्हें यहां पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह ईगल एंसेस्टर मेरे मास्टर के सामने बस एक चीटी के बराबर है, जिसे मेरे मास्टर कभी भी मसल सकते हैं। तभी लीन फैंग थंडर ड्रैगन को अपने सोल सी के अंदर से बाहर निकालता है, और अब थंडर ड्रैगन बाहर निकलते ही ईगल एंसेस्टर के जजमेंट स्वॉर्ड को टच करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही ईगल क्लैन के लीडर के होश उड़ जाते हैं, और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जजमेंट स्वॉर्ड को कोई आखिर इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी स्पिरिट क्लैन की लीडर बोलती है, यह ड्रैगन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो कहीं इस ड्रैगन का पावर लेवल हेवनली इमॉर्टल रैलम से भी तो ज्यादा नहीं है। जाइंट क्लैन का लीडर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले हजारों सालों से कोई भी हेवनली इमॉर्टल रैलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। वहीं पर खड़े क्वेन फैमिली के एल्डर्स बोल रहे होते हैं, अच्छा हुआ कि हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पर लीन फैंग के साथ दोस्ती कर ली, वरना आज इस डीमन अटैक में यांग फैमिली और हमारी क्वेन फैमिली दोनों ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। वहीं पर खड़ा मैंगटियान लीन फैंग को काफी ध्यान से देख रहा होता है, और अब वह बोलता है, अंकल लीन फैंग की पावर यहाँ पर ट्रू गॉड रैलम से भी ज्यादा हो चुकी है, और अपनी इस पावर के साथ थंडर ड्रैगन के साथ मिलकर अंकल लीन फैंग पावरफुल से पावरफुल इमॉर्टल्स को हरा सकते हैं।
तभी साउटियान बोलता है मैंगटियान, एक बार ध्यान से देखो, मेरे मास्टर यहाँ पर बस इमॉर्टल्स को ही नहीं बल्कि गॉड्स को भी हरा सकते हैं, और जल्द ही वह इस थंडर ड्रैगन की भी पावर को रिफाइन कर लेंगे, जिसके बाद गॉड्स भी मेरे मास्टर के सामने नहीं टिक पाएंगे। यह सुनते ही मैंगटियान बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा अंकल, लीनफेंग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इससे यह साबित होता है कि वह किसी एंशियंट गॉड क्लैन से बिलोंग करते हैं, और एक नोवल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद वह इतने ज़्यादा काइंड है और हमेशा कमजोर लोगों की मदद करते हैं। वह सच में एक नोवल पर्सन है। दूसरी ओर ईगल एंसेस्टर थंडर ड्रैगन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, और अब वह बोलता है, आखिर तुम कौन हो और एंशियंट टाइम में? मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तुम मेरे सामने बस किसी कीड़े मकौड़े के बराबर हो, तो तुम यहाँ पर मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करते हो। यह सुनते ही ईगल एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह अपने जाइंट फैदर टेक्निक का यूज करते हुए थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर थंडर ड्रैगन एक लाइटनिंग स्ट्राइक से उसके अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब उस थंडर स्ट्राइक से ईगल एंसेस्टर भी वहां पर घायल हो जाता है। तभी थंडर ड्रैगन अपना मुंह खोलते हुए उस ईगल एंसेस्टर को वहां पर कंज्यूम करने की कोशिश करने लगता है, जो देखते ही ईगल एंसेस्टर की हालत खराब हो जाती है, और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन एक और लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए उस ईगल एंसेस्टर को वहां पर घायल कर देता है, और काफी तेजी से उसके पास जाते हुए उसकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। यह देखते ही ईगल क्लैन के लीडर की हालत खराब हो जाती है, और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यह ड्रैगन तो मेरे एंसेस्टर की स्पिरिट को खा गया। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और यह ड्रैगन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी जाइंट क्लैन का लीडर सभी लोगों को वहां से भागने के लिए बोलता है, और अब सभी डीमंस काफी तेजी से वहां से भागने लगते हैं, जो देखते ही लीनफेंग उन सभी डीमंस के ऊपर अटैक कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डार्क कार्सल दिखाया जाता है, जहां पर एक सिंहासन रखा हुआ होता है, और उस सिंहासन के ऊपर कालीन बैठा हुआ होता है, जो कि एक मैजिकल मिरर के अंदर लीनफेंग को देख रहा होता है, और अब वह हंसते हुए बोलता है, तो क्या इस ओल्ड मैन ने इस बच्चे को अपना अगला सक्सेसर चुना है, या फिर यह बूढ़ा थंडर ड्रैगन इस पर्सन की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है? पर मेरे यहाँ पर रहते मुझसे इस पर्सन की बॉडी को कोई भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि यह पर्सन अब मेरा अगला वैसल बनेगा। यह बोलते हुए वह अपने सिंहासन से खड़ा होकर अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी को लीनफेंग के पास भेजता है, और अब दिखाया जाता है कि लीनफेंग ने उन सभी डीमंस के ऊपर जो अटैक किया होता है, कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी बीच में आते हुए लीनफेंग के उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। अब कालीन की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते ही एंसेस्टर सुजू परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, यह तो डार्क क्लैन का एंसेस्टर कालीन है, आखिर यह इस जगह पर क्या कर रहा है? अब वहां पर कालीन को देखते ही जाइंट क्लैन, ईगल क्लैन और स्पिरिट क्लैन तीनों के ही लीडर काफी ज्यादा खुश होते हैं, और अब वह कालीन को ग्रीट करते हुए बोलने लगते हैं, एंसेस्टर आपको यहाँ पर देखकर हमें सच में काफी ज्यादा खुशी हुई है। पर कालीन उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए थंडर ड्रैगन को देखते हुए बोलता है, मेरे ज़ाओलोंग वर्ल्ड में कई सारे अनीट क्रिएचर्स हुआ करते थे, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अनीट क्रिएचर मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा, और मुझे तो लग रहा था कि सभी अनीट क्रिएचर्स मारे जा चुके हैं, पर यहाँ पर एक अनीट क्रिएचर को देखकर मैं सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। अब यह सुनकर वहां पर खड़ा एक डीमन अपने बगल में खड़े जाइंट क्लैन के दूसरे डीमन को देखते हुए बोलता है, आखिर यह अनीट क्रिएचर क्या होता है? तभी वह डीमन बोलता है, अनीट क्रिएचर सुप्रीम बींस होते हैं, जिनका जन्म हमारे यूनिवर्स के बनने से भी पहले हुआ था, और एंशियंट टाइम में यह सभी अनीट क्रिएचर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे कि वह अपने एक ही अटैक में बिलियंस ऑफ गॉड्स और डीमंस को मार सकते थे, पर क्विन युआन यूनिवर्स में हुए वॉर की वजह से सभी अनीट क्रिएचर्स मारे गए थे, और अगर यह थंडर ड्रैगन कोई अनीट क्रिएचर है, तो आज हम सभी लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी दूसरा डीमन बोलता है, तो आखिर हम सभी लोग यहाँ पर अब तक खड़े क्यों हैं? हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। तभी थंडर ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम्हें अनीट क्रिएचर्स के बारे में पता है, और तुम यह भी जानते हो कि मैं एक अनीट क्रिएचर हूँ, पर इसके बावजूद तुम मेरे सामने खड़े हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता है? तभी कालीन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है, और अब वह बोलता है, एंशियंट टाइम में अनीट क्रिएचर्स का नाम सुनते ही पावरफुल से पावरफुल गॉड्स और डीमंस की भी हालत खराब हो जाया करती थी, और सभी गॉड्स और डीमंस हमेशा प्रार्थना करते थे कि कोई भी अनीट क्रिएचर उनके यूनिवर्स में ना आए,
पर एक दिन सभी अनीट क्रिएचर्स आपस में ही फाइट करके मारे गए, जिसके बाद गॉड्स और डीमंस ने सभी यूनिवर्स पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। पर सीनियर, आज यहाँ पर आपको देखकर मुझे हंसी आ रही है। एक बार अपनी बॉडी को देखिए, आपकी पावर यहाँ पर कितनी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। आप अभी इतने ज्यादा कमजोर हो कि कोई इमॉर्टल भी आपको जान से मार सकता है, और आपकी यह हालत देखकर सच में मैं अपनी हंसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जब चाहूँ तब आपको मार सकता हूँ, और आपको मारने के बाद आपकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मैं अपनी रियल बॉडी को आजाद करूंगा। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह कालीन के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, पर कालीन अपनी जगह से हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है, और अब वह अपने डार्क एक्सील टेक्निक का यूज करते हुए वहां पर एक ब्लैक होल का निर्माण करता है, और अब वह ब्लैक होल थंडर ड्रैगन के अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं पर वह ब्लैक होल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह यांग फैमिली और क्वेन फैमिली के सभी मेंबर्स जो कि वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े होते हैं उन्हें भी अपनी ओर खींचने लगता है, जो देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है, और अब वह चिल्लाते हुए लीन फैंग से मदद मांगने लगता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।